नमस्कार साथियों, लर्न अकेडमी प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जानेंगे चाइना के मार्स मिशन तियानवेन वन के बारे में, और साथ ही साथ दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से इस समय पूरी दुनिया में एक स्पेस रेस शुरू हो चुकी है, जिस प्रकार से चाइना अपना मार्स मिशन तियानवेन वन भेज रहा है, वहीं इसी महीने US के द्वारा मिशन परसिवरेंस भेजा जाएगा, और अब से 2-4 दिन पहले ही UAE के द्वारा मिशन होप भेजा गया। तो दोस्तों आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा क्यों है कि इसी महीने मार्स पर जाने की होड़ मची हुई है, तो जानेंगे पूरा इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि चैनल से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। मेरा नाम है राहुल गुप्ता, आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिनके दोनों के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। आप वहां पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल से जुड़ी सभी अपडेट्स सीधा अपने फ़ोन पर पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। दोस्तों न्यूज़ निकल करके आई है कि चाइना ने अपना एक रोवर टू मार्स मिशन लॉन्च किया, जिसमें कि साथ ही साथ इसने एक सिग्नल दे दिया कि स्पेस के साथ US के साथ उनकी स्पेस रेस शुरू हो चुकी है। और वहीं दोस्तों नासा का भी रोवर मिशन, जो कि मिशन मार्स का रोवर वाला मिशन जाएगा, जो कि 30 जुलाई को जाएगा। साथ ही साथ यह हफ्ता मार्स मिशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बिजी रहा, क्योंकि मंडे के ही दिन UAE के द्वारा मिशन होप भेजा गया। साथ ही साथ उसमें ये नहीं कि वन दैट डज नॉट इन्वॉल्व आर लैंडिंग, मतलब ना सिर्फ लैंडिंग बल्कि एक ऑर्बिटल मिशन भी भेजा गया, जो कि मार्स के एटमोसफेयर की स्टडी करेगा। साथ ही साथ दोस्तों ऐसा क्यों है कि हर देश के बीच एक स्पेस रेस मची हुई है, और ख़ास करके इस महीने में ही? आखिर ऐसा इस महीने में क्या होता है, या फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा क्या है कि सभी लोग, लगभग सभी देश अपना मार्स पर मिशन भेजना चाहते हैं? तो दोस्तों आइए हम इसे भी जान लेते हैं। दोस्तों जो ये पीरियड है, इस समय कहीं ना कहीं एक विंडो प्रोवाइड करता है लॉन्चेस के लिए, मतलब कि इस समय क्या होता है कि अर्थ और मार्स के बीच की जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि दोस्तों जो ये समय चल रहा है ये 26 महीने के बाद आता है, और इस बीच मार्स और अर्थ के बीच की जो दूरी होती है वो मात्र होती है 56 मिलियन किलोमीटर्स की। वहीं दोस्तों अब से बाद के टाइम में ये दूरी बढ़ करके हो जाएगी 101 मिलियन किलोमीटर्स की, मतलब कि दूरी डबल के लगभग हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है टाइम भी डबल लेगा। तो इसलिए दोस्तों अभी इस टाइम पर सभी देशों के बीच में कहीं ना कहीं एक होड़ मची हुई है कि किसी प्रकार से मार्स पर अपना मिशन भेजा जाए, और मार्स का जो एटमॉस्फेयर है, जो क्लाइमेट है, इन सभी की जांच पड़ताल की जाए। साथ ही साथ दोस्तों चाइना का जो तियानवेन वन, जो कि उनका मार्स मिशन है, उसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों चाइना का फर्स्ट मार्स मिशन कहे जाने वाला तियानवेन वन, जो कि पहले हुइगजोइंग वन, आप देख सकते हैं नाम भी कितना अजीब है लेकिन याद तो करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों जो तियानवेन वन, जिसका मतलब होता है क्वेश्चन टू हेवन, मतलब क्या होता है क्वेश्चन टू हेवन, वहीं दोस्तों जो स्पेस क्राफ्ट है उसमें एक ऑर्बिटर होगा, एक लैंडर होगा और एक रोवर होगा। साथ ही साथ दोस्तों ऑर्बिटर वो होता है जो उसके पूरे ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, लैंडर वो जो मार्स के सरफेस पे लैंड करेगा, और रोवर वो जो उस लैंडर से निकल करके एक रिमोट टाइप की एक गाड़ी निकल करके पूरे उसका सर्वेक्षण करेगी, मतलब सर्वे करेगी किस प्रकार का वहाँ पे थिकनेस है, स्टडी करेगी कि मतलब किस प्रकार की वहाँ पे थिकनेस है और किस प्रकार का वहाँ पर मार्स की जो मिट्टी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। साथ ही साथ दोस्तों ये तस्वीर है उस दिन की, जब थर्सडे के दिन मार्स मिशन, जो कि चाइना का तियानवेन वन लॉन्च हुआ, ये उस समय की तस्वीर है जो कि आप देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये कब पहुंचेगा, ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जो तियानवेन वन है ये फरवरी 2021 तक मार्स के ऊपर लैंड कर जाएगा, और ऑर्बिट में फरवरी 2021 तक पहुंचेगा। वहीं दोस्तों जो लैंड करेगा ये करेगा मई 2021 में। साथ ही साथ दोस्तों इसके क्या क्या फीचर्स हैं, आइए हम इसे भी जान लेते हैं। दोस्तों जो स्पेस क्राफ्ट है इसकी जो वजन है, मतलब जो इसका वेट है, वो है 5 टन्स। वहीं दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट, जो कि सिचैंग, चाइना की एक जगह है सिचैंग, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों जो साइंटिफिक गोल्स हैं इस मिशन के,
उसमें ये है कि ये मार्स की टोपोग्राफी को स्टडी करेगा, साथ ही साथ वहाँ की जो जियोलॉजी है और वहाँ का जो कंपोजिशन है सरफेस मटेरियल का, उन सभी की ये स्टडी करेगा और साथ ही साथ वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, इन सभी की जांच पड़ताल करेगा ये तियानवेन वन मिशन। साथ ही साथ दोस्तों इसका जो ऑर्बिटर है उसमें हाई रेजोल्यूशन के कैमरा लगे हैं जो कि एक सुटेबल लैंडिंग साइट को सर्च करेगा इन द यूटोपिया प्लांटिया रीजन। जी हाँ दोस्तों, ये जो मिशन भेजा जा रहा है ये मार्स के ऊपर यूटोपिया प्लांटिया रीजन में भेजा जाएगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाइना द्वारा भेजे जाने वाला तियानवेन वन मिशन मार्स के किस सरफेस पर भेजा जाएगा, तो आपको क्या बताना है, यूटोपिया प्लांटिया रीजन। साथ ही साथ दोस्तों इसका जो वज़न है वो होगा 240 किलोग्राम और इसमें होंगे कुछ कैमराज, कुछ एक रडार होगा, एक स्पेक्ट्रोमीटर, एक मैग्नेटोमीटर और एक एटमोस्फेरिक सेंसर्स होंगे इस रोवर के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों आइए हम ये भी जान लेते हैं कि यूएस के द्वारा भेजे जाने वाला मिशन जो कि मिशन परसिवरेंस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो नासा का नया मिशन है रोवर परसिवरेंस, नया रोवर बनाया है उन्होंने, उसका नाम है परसिवरेंस। वहीं दोस्तों अब से पहले भी कुछ रोवर्स मार्स के सरफेस पर लैंड कर चुके हैं और ये जो मिशन परसिवरेंस है वो देखेगा वहाँ की जो हैबिटेबल कंडीशंस हैं या नहीं और साथ ही साथ वहाँ की माइक्रोबियल लाइफ कैसी है या फिर पास्ट में कैसी रही थी। और साथ ही साथ दोस्तों इस मिशन के दौरान जो एक मार्स का ईयर होता है, मतलब जिस प्रकार से अर्थ का एक ईयर होता है 365 दिन का, वहीं मार्स का जो एक ईयर होता है वो होता है 687 अर्थ डेज के बराबर। साथ ही साथ दोस्तों इट विल कलेक्ट मार्शियन रॉक, मतलब जो मार्स के ऊपर की चट्टान है उसको कलेक्ट करेगा, वहाँ का जो सेडिमेंट सैंपल्स है उसको कलेक्ट करेगा और एनालिसिस करेगा अर्थ पर। साथ ही साथ मतलब किस प्रकार की वहाँ की मिट्टी है, क्या जलवायु है, इन सभी की जांच पड़ताल करेगा ये मिशन परसिवरेंस। साथ ही साथ दोस्तों जो इसमें रोवर है वो इक्विप्ड है स्पेशलाइज इक्विपमेंट से जो कि डाटा कलेक्ट करेगा और वेदर को एनालाइज करेगा, साथ ही साथ जो मदद करेगा ह्यूमन के फ्यूचर मिशंस में और साथ ही साथ प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीजन को या फिर किस प्रकार का वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रोड्यूसिंग है या किस प्रकार की कार्बन डाई एटमोसफेयर रिच है या नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों जो परसिवरेंस मिशन है इसकी उम्मीद की जा रही है कि ये मार्स पर फरवरी 18, 2021 को लॉन्च मतलब पहुँच जाएगा। साथ ही साथ जो नासा है वो ये भी उम्मीद कर रहा है कि अब से पहले 2012 में के बाद अब ये उनका दूसरा मिशन होगा जब उसे मार्स पर भेजा जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यह एक्टिव है ऑल दो इट्स टारगेटेड मिशन लाइफ इज ओवर, मतलब कि एक्टिव तो है अभी तक इनका मिशन लेकिन इसका जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। साथ ही साथ दोस्तों आइए ये जान लेते हैं कि किस प्रकार से काफ़ी सारे नेशन के बीच स्पेस रेस शुरू हो चुकी है। दोस्तों स्पेस एक्सप्लोरेशन हैज़ बीन डोमिनेटेड बाय द यूएस एंड रशिया फॉर मोर देन 50 ईयर्स, मतलब काफ़ी लंबे समय से, लगभग 50 साल से भी ज़्यादा से यूएस और रशिया की डोमिनेशन रही है स्पेस रेस में। लेकिन चाइना जो कि अभी से ज्वाइन कर रहा है और वो मार्स की रेस में शामिल हो गया है, मतलब जब से उसने मिशन अपना मार्स मिशन तियानवेन वन लॉन्च किया है तब से वो भी इस रेस में शामिल हो गया है और अब ये यूएस की जो डोमिनेशन रही है लगभग हाफ सेंचुरी की उसे कहीं ना कहीं सकते में डाल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से यूएस का, रशिया का और अब चाइना भी इस रेस में शामिल हो चुका है। साथ ही साथ दोस्तों चाइना ने 2003 में भी एक ह्यूमन भेजा था स्पेस में, जो कि तब से ही उन्होंने स्पेस स्टेशन का प्लान भी शुरू कर दिया है। चाइना हैज़ ऑल्सो सेंट 2 रोवर्स ऑन द मून, मतलब उन्होंने चांद के ऊपर भी 2 रोवर्स भेज चुके हैं विद द सेकेंड लैंडिंग ऑन द फार साइड, मतलब सेकेंड लैंडिंग हुई थी कहाँ पर, दूर की साइड पर, मतलब फार साइड पर। साथ ही साथ दोस्तों चाइना का जो प्रीवियस मार्स मिशन था वो था पार्टनरशिप थी किसके साथ, रशिया के साथ, जिसमें कि 2011 में मार्स मिशन को भेजा गया लेकिन वो फेल मार गया था। तो इसलिए 2011 से 2020 मतलब 9 साल के बाद वापस से काफ़ी तैयारियों के बाद तियानवेन वन को वापस से लॉन्च किया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों जो चाइना के मिशन स्पोक्समैन है उनका कहना है कि वी कैरी आउट दिस फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन टू पीसफुली यूज द यूनिवर्स एंड टू एक्सप्लोर इट्स मिस्ट्रीज, मतलब उनका ये कहना है कि हमारा ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि हम किसी से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, ये बस हमने इसलिए लॉन्च किया है कि हम
यूज़ कर सकें यूनिवर्स का पीसफुली और वहाँ की जो मिस्ट्रीज है उसको एक्सप्लोर कर सकें। तो ये कहना है चाइना के मिशन के स्पोक्समैन का, जिनका नाम है लियो टोंगजे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को ये एंड करते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।